शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर के लालगंज झाड़े चौक निवासी कमलाकर तुकाराम झाड़े को शराब पीने की आदत थी। शराब के नशे में उसने अपनी मां के साथ झगड़ा किया था, जिसके बाद मां अपने बेटी के घर चली गई थी। इस बात को लेकर शराबी कमलाकर भट्ट ने पंखे से लटक कर घर में ही आत्महत्या कर ली। खबर मिलते ही शांतिनगर पुलिस ने मृतक का शव मेयो भेज दिया है। आगे की जांच शांतिनगर पुलिस कर रही है। शराब पीकर हमेशा घर के लोगों को परेशान करने वाले ऐसे एक व्यक्ति ने शराब के नशे में घर में ही पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। जी हाँ, ये घटना है शांतिनगर के मृतक कमलाकर भट्ट, जो लोगों के घरों में पूजा पाठ करता था, लेकिन इसे मिलने वाले पैसे से वो रोजाना जमकर शराब के नशे में धुत रहता था। शराब पीकर वो अक्सर अपनी माँ से झगड़ा भी करता था। आज भी उसका झगड़ा उसकी माँ से हुआ, जिसके बाद माँ अपने बेटे के घर चली गई थी। इस बात को लेकर तबिश में आकर उसने घर में ही रखे पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। खबर मिलते ही शांतिनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, डेड बॉडी को मेयो में रवाना किया गया है। मृतक का नाम है कमलाकर तुकाराम भट्ट, वह 30 वर्ष रहना लालगंज झाड़ी चौक शांतिनगर नागपुर। वो रात को दारू पीकर घर पे आया, माँ को गाली गलौज किया, तो माँ अपने लड़की के यहाँ सोने के लिए गई और इसने रात को 11:30 से सुबह 9:30 के बीच में सीलिंग फैन को गड़फास लेके आत्महत्या कर लिया। वो दारू पीने का शौकीन था और पूजा पाठ का काम करता था। बाकी मर्द दाखिल किया है, उसकी चौकशी चालू है। प्रेत पंचनामा के लिए मेयो हॉस्पिटल भेज दिया गया है, बाकी कार्रवाई शुरू है। शांतिनगर पुलिस आगे की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ संजय मिरी की रिपोर्ट, इनबीसी न्यूज के लिए।